हाँ कब मारने वाला था अम्मास में पुन्नम में? जोर से और जोर से पूरी ताकत लगा क्या, जगड़ लो उसको अंदर से तेजी से, संतरा लाओ बन के डालो उसको तेजी साथ में। हाँ डाल जोर से। कब मारो बोले थे? अम्मास में पुन्नम में। और जोर से, और जोर से सबको सुने आना। कैसा मारने वाला था एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के? लाओ बाहर से जंजीरा लाओ और उसको बंद के डालो, जंजीरों डाल के तेजी से नाला को। जगड़ लो, काट देंगे उसके हाथ अभी। जगड़ लो उसके हाथों को तेजी से, आग लगाओ उसके हाथों के अंदर से, काट लेंगे उसके दोनों हाथ। और जोर से,
जलाओ स्वार तेज से, जलाओ उसको तेज से आग लगा दो। बहुत उन्हें उसके अंदर बैठ के आग लगा रहा, उसको आग लगाओ तेज से, नाला आपको जलाओ उसको और तेज से, झगड़ लो उसको अंदर से और तेज, झगड़ो और आग लगाओ, झगड़ो उसको और तेज से आग लगाओ उसके अंदर से। जोर से बोल, सुनने नहीं आ रहा मुझे, जोर से जब तक नहीं बोले मैं उसको जब तक जलाते रहो, तेज से जलाओ उसको। जलाओ उसको और तेज जगड़ के जलाओ, जब तक उन्हें बोलेगा नहीं मेरे सामने, जब तक जलाते रहो। तेज से भड़काओ उसके अंदर और तेज से आप
से बोल, सुने आना मुझे, जोर से बोल, जोर से, जोर से, सुने नहीं आ रहा, क्यों कर रहा उसको परेशान? हाँ, कौन बोला वैसा उसको परेशान करो बोल के? हाँ, क्या दुश्मनी तेरी उसकी? जोर से, आगे बोल, क्यों आग लगा दिया था तूने उसके आंग में पूरी? क्यों जलन कर रहा था उसको वैसी पूरी उसके आंग में अंगार क्यों लगा रहा था? झगड़ो उसको और तेजी से, जला रहा था फिर जलाऊं? जलाऊं तेरे को और तुझसे? खुद आग लगा दिया था आंग में उसके, बोला जलाऊं तेरे अंदर और तेजी से आग भड़काऊं? क्या करना बोल तेरे साथ सुनो बाबा? हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा उतनी तस्बीह पढ़ता क्या आगे नहीं बोलता? बाबा हाँ बाबा, जोर से बाबा, जोर से बाबा, बाबा कहाँ से आया था? शमशान से, कब्रिस्तान से बाबा? कौन लाए थे? औरत लाई थी, आदमी लाया था बाबा? कौन ला के फंसाया तुझे उसके आंग में बाबा? कितने लोग आते मिले आले बाबा? बाबा बाबा बाबा, जलाओ इसके अंदर, आओ तेज से आग लगाओ बाबा, बाबा 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 जोर से और जोर से बाबा, खींचून गया थे समा बाहर कहां से लाके बाहर बिठाए थे उसको? ना ला बाबा रे, हवा कब से था? हवा बरियत होता
कैसा निकाल रहे हो दिमाग में से क्या निकल रहा है, उसको बोलते हैं खुदा की कुदरत का मौजजा, अल्लाह के कलाम का। निकालो और चीजों पर दिमाग में से उसके बनाकर दिमाग में चढ़ा के बिठा दिए, दवा कई किस्म की अलग अलग रीति, किसी को कलेजे पे बिठाते, किसी को पेट में, किसी दिमाग खींचो खींचो इसको बाहर मारते रहो, जब मुझे आग लावा खूब पकड़। सांगरे कुटो नाला होता, निकालो उसको और तेजी से खींचो, मारते रहो खींचते रहो तेजी से उसको पूरा बाहर। खूब बक्कड़ आग लावा, कहां से आया था रे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कौन चढ़ा के बिठाया था उसके दिमाग पे दबा, वो कौन था, वो औरत की आदमी था। इतर लगाओ दम करा के, जलाओ उसको और तेज से। जलाओ उसको अंदर से, जरा तेज से आग लगाओ उसके अंदर, आओ जोर आप संग, जोर से बोल, जोर से बोल। जोर से कौन काय क्या है वो, उन्हें लाके डाला था इस जांग में, उन्हें लाके डाली थी, क्या नाम उन डाकली होती जांग मधी, जलाओ जरा इन्हें, सब तक साफ साफ नहीं बोलेगा जब तक इसको जलाते रहोते जिसे कोनी कौन कौन होती थी, का नाम होता कहते हसली, साफ नाम बोल उसका कौन था वो, साफ साफ नाम बोल, काय होता तेतर जलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेजी से। इधर भी लगाओ छाती पे, मतलब अंदर आता है असली जमा दी खूब असली रे जलाओ 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 उसको और तेजी से आग लगाओ। कौन होती थे, कौन जादू के रहे चवर, काय थी मानूस होती, बाइक होती, बोला कुटोन आन ले शमशान, तुम खबरस्तान हूँ कुटोन चलाओ तेज से आग लगाओ उसके अंदर। Ha ha ha.
शक्ति लाऊंगे। जबरो उसको तेजी से कमीने को मार मार के खत्म करो। चल बोल, कब मारने वाला था? खोनी पार्ट भी ले होते चांगा मत तुला। काय याद नहीं तुला? काय? हाँ जोरात जोरात, हाँ जोरात, हाँ अजूक जोरात, हाँ जोरात, हाँ जोरात, हाँ जोरात। जोरात अजूक जोरात, जोरात जोरात जोरात। खूब आग लावा बक्कर, सांग सोडू का ना को सोडू तुला। अरे छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुझे बोल जल्दी। मारो उसको जंजीरों से, तेज से मारो उसको। जकड़ लो उसको, और तेज जकड़ो, जकड़ूंगी अतला, छोड़ा ना, छोड़ो मत उसको, तेज जकड़ लो उसको, बहुत आग लगा रहा था आग में, बता आग लगा रहा था उसके आंग में, लगा के बता, जलाओ आग लगा उसके आंग में, उसके आंग में, जलाओ उसके सही। कोणी पाठवी होते त्याच्या अंगामध्ये तुला, कुठून आला होता? हा कुठले शमशानचे किधर ते आला? वायो बायो, घाबरून घ्या त्याला, हा ना खूप आना दिला पटकन, बायो 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 रे बायो बायो
किती वर्ष झाले होते रे कम से परेशान कर रहा था उसको किती वर्ष होते तू आग लावा त्याच्यामध्ये खूप बाकड कवा हिचा जीव घेणार होता कवा अमुषाला पूर्णिमाला जला जला के मार देने वाला था उसको जोरा जोरा इतनी शक्ति आज तुझे अजूक जोर से लवकर मला नाव सांगून दे कोण आहे ते लोकांच्या कोणी पाठविले चांगलं तुला आता कोणी पाठविले होते कोण होती ते म्हातारेची कोण होती ते तू कुठं मेलेला आहेस रे लवकर सांगले तर फिर आग लावणार होते अंगामध्ये कोण होती ते काय नाव होत त्याच्या नाव काय होत त्याच्या काय नाव होत चलाओ इसके हाथ में आग लगाओ तेज से हात मध्ये आग लावाय पक्कळ आग लावायची हात मध्ये जाळायची हात मध्ये खूप आग लावा जाळा जाळा खूप जाळा त्याला जाळा जाळा त्याच्या हातामध्ये खूप आग लावा काय सांगत की नाही उसका नाम दिसून आला तो हा कोण होत ते कोण होती ते माणूस पाठवला बाईक हो कोण जलाब इसके हात में और तेज से आग लगाओ जलाओ उसको जलाओ तेज जलाओ
अरे कापून बुका ते हात तुझा कापून घेऊ अरे चल दूसरी चक्कर तक सब याद करके आगे सुनाना मुझे कौन डाला था तुझे कहां से लाए थे कोणी पाठविले होते कौन होते थे लोका कुठून आणले तुला कशा मदीला खाऊ घातले होते कवा पर्यंत गेले कब से करायला जादू टोना सब याद करके आगे सुनाना नाला अगर नहीं सुनेगा तो पूरा मार के भस्म कर दूंगा मौका दिया मैं एक टाइम अब याद करके आने का पानी चल जा सब याद करके आ कौन डाले थे कहां से आया था कब्रस्तान से आया था मसनवाटे से आया था कौन लाके डाला था औरत ने आदमी ने सब याद करके आके सुनाना चल अब क्या नाम उनका अरे रफी दिन अरे क्या होगा अरे क्या होगा तीन लग गई थी दो दिन से सो गए थे तुम दो दिन के बाद पानी मार के होश में लाए तुम आपको पानी पियो क्या हुआ पानी पियो पानी पियो दो दिन पानी पियो पानी अरे गया नहीं अभी जा जल्दी भाग बहुत मार गए अभी तो बैक चल सब याद करके आगे सुनाना कौन लाके डाले थे कहां से आया था कितने लोग होते कशा मुड़े तो जीव घेना होते क्यों इसकी जान लेने वाले थे क्या क्या दास्तान इसका तो देखा ना आज कैसा मारा ऐसा जिड़ा जिड़ा के मारने लगा हुआ और तुझे कम बखत मनमाना चल रहे तुम्हारे तो जादुआ घर घरों के पास का सुन के लोगों को परेशान कर रहे तो शैतानी ताकत है बता रहे मुझे बताओ कितनी तुम्हारी ताकत तो कम बखतो पीवो खैर उनके नाक में से कथा निकल रहा था देखे दवा बैठी थी दिमाग में चढ़ के वो बहुत पुरानी हो गई थी इसलिए दिमाग में जाके बैठा था और उस वजह से डाल रहा था वो उनको खैर क्या क्या तकलीफ होती थी उनको इधर मारे क्या तकलीफ होते थे ये ऐसे पूरी आकर ये पाँव भी खाली ऐसे कर खाली अंगर ये पूरा सब अंगर पिशा भी जगह अंगर सब आकर जा रही पिशा भी जगह संडास भी बरोबर पहले का करियाल था वो भी आया था खैर कौन डाला था क्या डाला था वो आगे नाम पूछेंगे मराठी में चल रहे थे बात आ इसका मतलब मराठी में कुछ तो भी शमशान गट्टी से मसल माटे से कुछ कर रहे थे दिखता खेला और मेरे जबानी तो क्या बोलूं मैं बोलता नहीं मेरे को जान के भी अनजान बल के बैठना पड़ता कहीं को बोलने का अपने मुंह से नहीं बोलते हूँ सामने पकड़ के लाके पूछाते उसको तो फिर बोलते ना तरीका असल कोई भी कुछ भी मुंह से किसके भी कुछ भी बयान कर थोड़ी बात तो भैया नहीं कर सकते ऐसी बात है खैर अल्लाह करम से करेंगे सब राइट करते करते करा देते अभी जो भी है इतना तो अभी बता दिया हम बाकी आगे अच्छे तरीके से खुलासा करेंगे इंशाल्लाह कौन से आए थे तीसरी बार अच्छा कितने साल से परेशान थे ये एक साल हो गया टाइफाइड बोल के हो गया टाइफाइड का इलाज करे फिर बोला कौल हुआ कौल कुछ गए फिर वो दवा खा दिए तो ऐसे भी गए जानते हैं जो ये कर रहे हैं ऐसा हो जाए कहीं हाजिर हुआ कहीं हम नहीं मालूम पैसा तुम्हारा नहीं कहीं नहीं पूरे लाइफ में कहीं हाजिर हुआ क्या नहीं कहीं पूरे लाइफ में कहीं कुछ हाजिर हुआ था क्या अंग पे ऐसा क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ कहा खाली बता रहे थे भाई तुम करे वाला कुछ बोले तुम्हारे पास है दूसरे पास एक निकले फिलहाल करे वाला एक ने बोला करे वाला है तुम्हारे जैसा ऐसा समझो ऐसा नहीं सबके बस की बात नहीं रहती वो सबको नहीं आता शैतानों से टक्कर लेना सबको नहीं आता शैतानों को जिन्नातों को अगर तुम बुरा भी बोले तो उन्हें हमला कर देते तुम्हारे ऊपर इतने खतरनाक रहते हो कम दिमाग के उसको ढीला रहता उनका तो उनको अजी से अरे भी बोल दिए तो हमला कर देते उन्होंने बोलते हम आपका सा गाली दिया हम आपका सा बदला लेने जाते हमले करते बहुत है वो उनकी दुनिया अलग बहुत अलग दास्तान है वो जहाँ अल्लाह ताकत देता जहाँ अल्लाह काम लेता वहाँ फिर उनको कुछ भी बोलो मारो लिड़ा के मारो कैसा भी मारो कुछ कर नहीं सकते फिर वो क्योंकि फौजे देता अल्लाह जिसको अता करता अल्लाह ने जिसको चुन लिया काम के लिए फिर उसको के सामने क्या जिन्नात और क्या शैतान की औकात है फिर देख लो सामने लिड़ा के मारते और कौन मार रहा वो भी नहीं दिखता और मैं तो टच भी नहीं करता मैं थोड़ी मारता मेरे हस्ते मैं थोड़ी कुछ बोलता मैं इतने दूर बैठा लाऊं
मैं खाली पूछता और देखता, वो देखो तुम्हें अपने जबान क्या निकलता क्या हाल होता क्या था उन्होंने बीमारी टाइफाइड टाइफाइड क्या क्या समझ के फिर रहे थे बोले उन्होंने फिर और भी कई जगह गए इलाज वालों के पास भी गए बोल रहे उन्होंने कहीं नहीं हुआ। मगर मेरा जहां तक कहना है कि कोई इलाज वालों के पास में कहीं जाना नहीं, वो जाना सख्त मना है इसमें। जो जादू टोना करते जादूगरों के पास, हाँ अल्लाह के कलाम की ताकत जाए वहाँ अल्लाह के कलाम से फैसलो, तुम खुद कुरान पढ़ो, खुद हदीसें पढ़ो, अमला करो, घर में एक माहौल बनाओ, शाम में दिन में एक टाइम ऐसा कुछ भी मुकर्रर करो, बीवी बच्चों को सबको एक साथ ऐसा बिठाओ और बिठा के घर में दीन की तालीम दो, उनको हदीसें पढ़ाओ, हदीस के एक घंटा ऐसा रखो दिन में 24 घंटों में से, रात के बाद, ईशा के बाद या फजर के बाद कोई भी, जहाँ तुम ऐसा पूरे घर को बिठा के तालीम दो दीन की, कि नमाज का तरीका सिखाओ बच्चों को, हदीस औरत बच्चों को सबको पूरे घर में जितनी भी फैमिली होंगी, नमाज कैसा पढ़ना, हदीसें कैसी याद करना, कुरान की सूरतें कितने याद हुए घर में, ऐसा एक माहौल बनाओ और सबको दीन की तालीम दो घर में एक दूसरे को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बनेंगी और तुम्हारी दुनिया आफतों से भी महफूज रहेंगे। दुआएं याद कराओ बच्चों को, बाप अगर या दादी नानी सब लेके बैठेंगे पूरे फैमिली को तो सब एक दूसरे का देख के टसल पे एक दूसरे के सब याद करते थे, कोई दुआ याद हुई तो हम ये दुआ याद करते थे, कोई याद हुई कि हम भी याद कर रहे हैं, उनके पूरे बच्चों को एक माहौल बनते चलता हो। दुआएं याद कराओ, कुरान याद कराओ, हदीस याद कराओ, हदीसें पढ़ के सुनाओ उनको, जंगे बदर के वाकये, हदीस के वाकये क्या नहीं है हदीस और कुरान के अंदर, हर वो चीज आगे वाली दुनिया में जीने के तरीके कैसे है क्या है, शुरू से दुनिया कब पैदा हुई और कब खत्म होने वाली सारा बयान आगे वाला है कुरान के अंदर। ये सब पूरा माहौल बनाओ, फिर बच्चों को तुम ऐसी वो दो, एक लालच दो बच्चों को, ऐसी लालच दो कि तुम ये जल्दी से सूरा याद कर लो, जो बड़ा सूरा याद करेंगे कुरान का हम उसको इनाम देंगे, उसको साइकिल दिला देंगे, उसको कपड़े दिला देंगे या उसको मोबाइल दिला देंगे, तो कुछ भी। तो बच्चे क्या करते हो, टसल में वो मिल रही चीज इनाम में उनकी जल्दी 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 याद करते, तो इसे तुम ऐसा याद करेंगे ऐसा करेंगे तो दीन से जुड़ते जाएंगे, दीन से जुड़ेंगे तो फिर वो ऐसे बन जाएंगे फिर पोख्ता, उनको कोई बहका नहीं सकता, फिर कुछ नहीं हो सकते। फिर बहुत सारे मार्केट में जमाता भी आगे डुप्लीकेट, बहुत सारे बदमाश लोग अपने अपने फिरकों में बढ़कर फिरकों की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको फिरकों से बचना है फिरका परस्ती से, तो सबसे बाहरी घर में दीन और हदीस और कुरान की तालीम रखो। तुमको जो भी बुखारी शरीफ लाओ, मुस्लिम शरीफ लाओ, तिर्मिज़ी लाओ, दाऊद शरीफ लाओ, वो लाके पढ़ते बैठो घर में, बच्चों को पढ़ाओ देखो। और दूसरी बात, गुजरुआने दीन को, वली अल्लाहों को, दरगाहों को कभी बुरा नहीं बोलना, उन्होंने बोल के तो तुम लोग सुकून से खा सक रहे, अल्लाह उनके जरिए से तो राइट रखा, अगर उन्होंने रहते थे तो शैताना तुम्हारा इतना बुरा हाल करते थे, अभी कैसा हुआ इनसे भयानक तुम्हारे हाला करते थे शैताना, क्योंकि लगाम कसने वाला कोई नहीं रहता था उनके ऊपर, जब लगाम कसने वाले बोल के तुम सुकून से खा रहे, तुम बोलेंगे हम जाके खुद लगाम कस देंगे शैतान पे, जाओ ना जरा कचने को, कहाँ हाथ डाल के कहाँ से उठा के पटकता फिर तुम्हारा को भी नहीं मालूम होता, ऐसी नहुसती लगाता जिंदगी भर किसी याद नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो जबान नहीं है ना जिक्र पे, जाकिर जबान जो अल्लाह के जिक्र में मिट गए वाली, वो जबान रहेगी तो डरेंगे उससे शैताना को, तुम्हारे जबान से गालियां चुगलियां गीबता अक्कारियां मक्कारियां क्या 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 चल रहे, फिर कैसा तुम्हारे जबान का असर रहेगा और तासीर रहेगा। इसलिए बुजुर्गान दीन को, वली अल्लाह को उनको बुरा नहीं बोल सकते, उन्होंने तो इस्लाम फैलाए, वो तो दीन की तबलीग करे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में आए आए तक 70,000 कलमा पढ़ा दिए, और हम खाली बातों में रह गए 70 साल में फिरकों में बढ़ जा रहे खाली बस, और एक दूसरे पे तोहमत लगाते पे बात कर, बहुत बुरी बातें असल में, जिस पे बीतती उसको ही पता चलता और जिसको जख्म होता दर्द भी उसको ही होता, बाकी तो सब बैठ के ठंडे चौ में बात करते हैं, हम ऐसे हम ऐसे, मेरे पास में हर वो इंसान हर वो जमात वाला आके गया है, अब क्या बयान करूं तुम्हारे लोगों को, बाद में क्या बोलते हो जब ये बात है, हाँ वो कैसा है जिस पे बीतती उसको पता चलता है, हम भी बीती बोल के हमको पता चला नहीं तो हम भी बैठ के बड़े बड़े बात करते थे ऐसे सुनाते हो भी, ये बहुत ही गलत और बेबुनियाद बातें हैं कि जो तुम दीन से दूरी कर रहे, दीन से दूरी कभी नहीं, दीन का एक माहौल बनाओ घर के अंदर, कि हदीसें कुरान उसके बाद में सब ऐसे वाकियात पढ़ाओ बच्चों को, सब बताओ उनको क्या था उनके बाप दादा ने कैसा करे, कैसा इस्लाम तुम्हारे तक लाए, कैसा पहुंचाए, जब ये तुम बताएंगे दिमागों में उनके बिठेंगे तो फिर उनको पता चलेगा क्या है इस्लाम। कितनी शर्म की बात है कि वो अमिताभ बच्चन के कोई वो है कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके अंदर मुसलमान का लड़का वेल क्वालिफाइड बोल रहा हूं अपने आप को, उसको पूछ रहे कि बता ये पैगंबरों में से वो ऑप्शन है उसको, चार इनमें से कौन पैगंबर नहीं है, चार में से एक का नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा से कुछ तो भी ऑप्शन थे, तो उन्हें बोल रहा है कि जिब्राइल पैगंबर थे बोल दिया उन्होंने उसमें,
उसको ये तक नहीं पता कि जिब्रील अमीन कौन है, कि तुम्हारा माहौल तुम अपने हाथों से अपने इतने तुम कमाई में बिजी हो गए कि तुम्हारे घर से दीन की डोरी दूर होते जा रही है, दीन की रस्सी को मजबूती से थामो। बोले तो उसका मतलब ये नहीं है कुरान को जुजदानों में सजा के रख दिए, महराबों में उठा के जब कोई मरा तो निकाल के पढ़ रहे। रोज पढ़ो, तालीम लो और तफसीर से पढ़ो ताकि समझ में आना। ये बातें इन पे अमल करो, ये सबसे बच के रहेंगे, महफूज रहेंगे। बाकी तो बहुत क्या बोलूंगे, बोलने के लिए बहुत अल्फाज है, मगर जो तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं उस हिसाब से बताता हूँ लोगों को। बाकी मैं कहानियां और किस्से पढ़ के नहीं सुनाता हूँ किताब में। चलो अल्लाह सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की आमीन आमीन। नमाज पढ़ रहे क्या? नहीं कुरान आती क्या? कब सीखने वाले फिर? कब सीखने वाले फिर? आप जाने की मस्जिद में जाके सीख सकते ना तुम? ऐसा थोड़ी है, उम्र थोड़ी उसमें तो वो रहती, कभी भी सीख सकते हैं कुरान के, तो कोई उम्र नहीं है। और दूसरी बात क्या बोलते, तो अलिफ बे भी सीखते रहे तो मस्जिद में जाके सीखने का, देखने का कैसा पढ़ने का तरीका रहता हूँ, सिखाते पूरा सीखते सीखते रोज एक घंटा देने का, क्या बात में आ जाती है। ठीक है, सुकून रहा तो भैया, नहीं तो सुकून नहीं जा रहा, नहीं नींद भी सो नहीं रहा, नहीं खाना भी खा जा रहा, सब भी पेट में भी तकलीफ, ऐसे भी निकाल रहना उसको, वो क्या दिमाग में से निकाल रहा था ना, दिमाग में से कैसी लगी दिल लहन धार, वैसा वो सब खैर निकालते पूरा खींच के जला के रख करते अल्लाह करम से हमारा करो सब। ठीक है, पहली बार हाजिर हुआ था तुम्हारा? नहीं, पहली बार हुआ था थोड़ा, नहीं ये दूसरी बार, दूसरी बार कम हो गया, कैसा रहा था? किसी का पहली बार में हाजिर होता, किसी का दूसरी बार में, किसी का तीसरी बार में, उनका तीसरी बार में हुआ, सब अलग अलग रहते, जो चला खेल उस हिसाब से, किसी का फर्स्ट टाइम में आ जाता, किसी का सेकंड राउंड में, किसी का थर्ड राउंड में, सब अलग अलग थ्योरी रहती, उस हिसाब से हम रहते। ठीक है, चलो।